हेलो स्टूडेंट्स, आज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि बिल्डिंग होती क्या है। बिल्डिंग इज अ स्ट्रक्चर हैविंग कंपोनेंट्स फाउंडेशन प्लिंथ वॉल डोर विंडोज फ्लोर रूफ स्टेयरकेसेस कॉलम्स बीम्स बिल्डिंग सर्विसेज, ये सब चीज़ें मिलके बनाती हैं बिल्डिंग। अब जो बिल्डिंग है वो क्या प्रोवाइड करता है? बिल्डिंग एक कवर्ड स्पेस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? कवर्ड स्पेस। कवर्ड स्पेस को अपने को ध्यान रखना है ताकि वो डिफरेंट स्पेसिफिक पर्पजेज लाइक एजुकेशन का, इंस्टीट्यूशन का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का, कमर्शियल बिल्डिंग्स का, स्टोरिंग बिल्डिंग्स का एट्सेट्रा, ये सर्व कर सके। अब हमारे कंट्री में, इंडिया में नेशनल बिल्डिंग कोड है और नेशनल बिल्डिंग कोड बिल्डिंग्स को ऑक्यूपेंसी के बेसिस पर 9 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। इन 9 ग्रुप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 9 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट है ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में कौन सी बिल्डिंग है? ग्रुप ए में रेसिडेंशियल बिल्डिंग आती है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब ऐसी अकोमोडेशन जहां आदमी स्लीप सो सके। कहां कहां सो सकता है रेसिडेंशियल? अपने घर में, हाउस। हाउस को विला भी कहते हैं, फ्लैट्स भी होते हैं, अपार्टमेंट भी होते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी होती है और होटल्स भी। होटल्स इसलिए क्योंकि वहाँ पे भी स्लीपिंग का काम होता है, एक स्लीपिंग अकोमोडेशन होती है वहाँ पे। कुकिंग अकोमोडेशन जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा क्लासिफिकेशन ग्रुप बी में अपन करते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग वो बिल्डिंग होती है जहां टीचिंग लर्निंग और रिसर्च की एक्टिविटी की जाती है। जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ अपने टीचिंग लर्निंग की एक्टिविटी होती है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, यहाँ पे अपने रिसर्च की, टीचिंग लर्निंग के अलावा रिसर्च की फैसिलिटी भी अवॉइड प्रोवाइड की जाती है। अब हमारा थर्ड ग्रुप है ग्रुप सी, जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा, सेमी गवर्नमेंट के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा और दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाई जाती हैं। इसमें मेनली 3 प्रकार की बिल्डिंग्स को अपन हम इंस्टीट्यूशन में गिनते हैं। C1 जो है उसमें हम हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स और डिफरेंट तरह के सैनिटोरियम्स को गिनते हैं। C2 में अपन ओल्ड एज होम्स को और चिल्ड्रन के ऑर्फेनेजेस को गिनते हैं और C3 के अंदर हम जेल्स को, प्रिजन्स को गिनते हैं। अब चौथी बिल्डिंग जो है ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे, इसका क्लासिफिकेशन में ग्रुप डी। ग्रुप डी में आ गया असेंबली बिल्डिंग। असेंबली में क्या हो गया? जहाँ लोग रिक्रिएशन के लिए, अम्यूजमेंट के लिए इकट्ठे होते हैं या कोई डिफरेंट पर्पस के लिए भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसमें आ गए सिनेमा हॉल, आ गए मल्टीप्लेक्सेस, आ गए थिएटर, आ गए डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, आ गए जहाँ भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। असेंबली का मतलब क्या हुआ? इकट्ठे होना। इसके बाद है ग्रुप ई। ग्रुप ई में हम बिजनेस बिल्डिंग्स, बिजनेस बिल्डिंग्स मतलब जहाँ ऑफिसेज हो। ऑफिसेज गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में लिए जाते हैं, जैसे कलेक्ट्रेट हो गया, सेक्रेटरीट हो गया और दूसरे प्राइवेट ऑफिसेज भी मल्टीनेशनल कंपनीज के इत्यादि हो सकते हैं। ऑफिस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अधिकारी होते हैं, अधिकारी के नीचे क्लर्क्स होते हैं और वहाँ पे ऑफिस में पूरा सिस्टमेटिक ऑफिस का अरेंजमेंट होता है। टाइपराइटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, टेलीफोन की मशीनें, फैक्स मशीन्स होती हैं। तो ये सब ऑफिस का सेटअप हो गया। इसके बाद 6th है ग्रुप एफ में मर्केंटाइल बिल्डिंग।
मर्केंटाइल बिल्डिंग में मतलब जहाँ सेल और परचेज का काम हो सके, जहाँ मार्केट एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। इसमें शॉप्स आ गई, स्टोर्स आ गए, शॉपिंग मॉल्स आ गए, जहाँ पे खरीदने बेचने का काम किया जा सके, उन बिल्डिंग्स को मर्केंटाइल बिल्डिंग कहते हैं। ग्रुप जी है अपना इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग हुई, जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट हो सके, जैसे फैक्ट्रीज, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सके, कोई नई चीज़ बन सके, जहाँ प्रोसेसिंग हो सके, जहाँ अपने सपोज व्हीकल है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो असेंबली, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं व्हीकल के, उनको अपन मिला के असेंबली करके जोड़ के व्हीकल बना सके, तो वो सारी बिल्डिंग आ गई इंडस्ट्रियल। इसके बाद है ग्रुप एच। ग्रुप एच में आया स्टोरेजेस। स्टोरेजेस में अपने कोल्ड स्टोरेज हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, फ्रीट डिपो हो गए। तो जब बड़ी इंडस्ट्री से माल आता है तो एक बड़े वेयर हाउस में स्टोर कर लिया जाता है। इसमें अनाज भी, वेयर हाउसेज में क्या अनाज भी स्टोर कर लिया जाता है, फ्रीट डिपो में क्या जो माल रेलवे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है उसको भी एक जगह स्टोर करके फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है। नाइन्थ और लास्ट है अपना ग्रुप आई में हैजार्डस बिल्डिंग्स। हैजार्डस मतलब जो खतरनाक हो सकती हैं, जो लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती हैं, जहाँ लाइफ को किसी प्रकार का खतरा हो सकता है। जैसे सपोज़ कुछ केमिकल्स हुए, वो इनफ्लेमेबल हैं, वो कंबस्टेबल हैं, जल्दी से जल सकते हैं, जला सकते हैं, वो आ गए इसमें। गैसेस की जो इंडस्ट्री हो गई, अमोनिया की गैस की हो गई, अपने एसिटिलीन की गैस की हो गई, और डिफरेंट गैसेस की हो गई जो खतरनाक रहती हैं सांस के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, वो सब इसमें आ सकती हैं। पेट्रोलियम की हो गई, तो जो भी डेंजरस टू लाइफ है वो हजार्डस बिल्डिंग में। तो एग्जाम में एक शॉर्ट नोट आ सकता है, क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी पे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप बढ़िया ढंग से तैयार कर लीजिए।